तो आज हम लेकर आए हैं नेपाल की पांच सबसे ज्यादा मशहूर डिशेस, जैसे नेपाल के झोल, मोमो, गुंद्रक, सादेको, वाइवा, सादेको, सेल रोटी और ना जाने क्या क्या। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि नेपाली खाना आज हमें कितना मजा दे पाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं नेपाल की पहली डिश से, जो डिश देखो हमारी भी काफी फेवरेट है क्योंकि वो इंडिया में, इनफैक्ट दिल्ली में भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, और वो डिश है मोमो। लेकिन नेपाल में मोमो का एक ऐसा वेरियंट बिकता है, मतलब वो तो मतलब बेहद ही कमाल होता है। तो इस वेरियंट का नाम है झोल मोमो। इसके अंदर आप देखोगे कुछ ऐसे मोमो होते हैं जो झोल तीखी ग्रेवी के अंदर डल के आते हैं। बाकी आपका फेवरेट नेपाली फूड क्या है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, मैं जितने इसको ट्राई करता हूं। चीज बड़ी कंटाप है यार, स्पाइसी तो है। साथ ही साथ एक बात तो होती है, हम यहाँ पे जितने तरह के मोमोज खा ले, कहीं पे भी खा ले, लेकिन अगर एक जो नेपाल या फिर तिब्बत स्टाइल के मोमोज होते हैं ना, उनमें पता नहीं अलग ही कुछ बात होती है जो हमारे यहाँ के मोमोज में कभी आ नहीं पाती। कैसा? लेकिन कहीं मैं इससे ही अपना पेट ना भर लूं, इसलिए आपको एक काम करते हैं, कुछ और दिखाते हैं। अगली डिश हम लेकर आए हैं नेपाल की, इस डिश का नाम है वाई वाई सादेको। वाई वाई का मोस्टली हम सभी ने नाम पता है कहाँ पे सुना है, वाई वाई नूडल्स के नाम से। और आप डिश को देखोगे तो ये भी आपको काफी हद तक वाई वाई नूडल्स की तरह ही लगेगी। बाकी मेरी बड़ी इच्छा है कि कभी इंडिया से बाहर निकला जाए, नेपाल जाया जाए, बांग्लादेश जाया जाए, और वहां का खाना भी ट्राई करा जाए यार, पता तो लगे कि इंडिया के बाहर कैसी कैसी चीजें बिक रही हैं। लेकिन अभी हमने कोशिश करी है एक ऑथेंटिक नेपाली रेस्टोरेंट से ही हम ये खाना लेकर आए हैं जिसको हम ट्राई कर रहे हैं। आओ। गजब। बीइंग दिल्ली वाला हमें तो देखो स्पाइसीनेस बहुत पसंद है, और वो मेरा पंच ना नेपाली खाने ने अच्छा खासा डिलीवर कर रहा है भाई। वाई वाई नूडल्स बड़ा ही क्रंची टेक्सचर, मसालेदार एंड स्पाइसी, तो तीनों का कॉम्बिनेशन मेरी नजरों में ये तो भाई अव्वल नंबरों से पास होता है। लेकिन अभी इस पर खत्म नहीं करते, आपको और डिशेस दिखाते हैं। अगली डिश हम लेकर आए हैं नेपाल से, जिस डिश का नाम है थुक्पा। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नूडल्स एंड सूप। बड़े ही मोटे मोटे वाले आटा नूडल्स होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर होता है सूप, दैट इज कैन बी इधर चिकन वाला या फिर आप वेज भी ऑफर कर सकते हो। हमने आज चिकन वाला ऑर्डर करा है। दिस इज अ वेरी गुड सूप। थोड़ा सा अभी ठंडा हो गया डिलीवरी की वजह से, बट इसको अगर गरम गरम खाया जाना तो भाई फीलिंग कुछ और होती है इसको खाने की। यार ऑनेस्टली बोलूं, इंडियन फूड के अलावा एक ये जो नेपाल तिब्बत ये यहाँ का खाना थोड़ा बहुत मेरे को ऐसा लगता है जो कि काफी सिमिलर है हमारे पैलेट के। हालांकि अगर आप नेपाल से आगे बढ़ के चाइना और कहीं जापान वगैरह की साइड चले जाओ ना, वहां का खाना मेरे को समझ नहीं आता भाई, वहां जाके तो कचरा पेटी हो जाती है खाने की। वैसे पता है जिसको नहीं पता तो बता दूं कि बीच में इंडिया और नेपाल की भी एक कॉन्ट्रोवर्सी छिड़ी थी, डू यू हैव एन आइडिया, जिसमें नेपाल के मिनिस्टर ने बोला था कि सीता माता भी नेपाल से थी, तो नेपाल से भी उसका कनेक्शन है कुछ। गाइस प्लीज आप भी बताइएगा इसके बारे में अगर आपको कुछ पता है तो। चलिए जितने हम आपको अगली डिश दिखाते हैं, दिस इज गुंद्रुक सादेको। ये अनदर सादेको मेरे को लग रहा है टाइप ऑफ प्रिपरेशन है ऑफ थिंग्स। इसके अंदर गुंद्रुक को मेरे को लग रहा है क्या बोलते हैं इसको, छोलिया, नहीं दिस इज छोलिया। वाई वाई की फॉर्म में इसको प्रिपेयर करा हुआ है, बट इसके वाई वाई की जगह इसमें है गुंद्रुक मेरे ख्याल से, जो कि हम यहाँ पे बोलते हैं छोलिया। बॉस स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स है बॉस इसके तो, मतलब वाई वाई मेरे को काफी पसंद आया था, बट इसके अंदर काली मिर्च का बहुत ज्यादा स्वाद है। आई नो ऑथेंटिक नेपाली फूड में डलता है नहीं डलता, काली मिर्च तो मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे गले में लग रही है यार। सॉरी नेपाल वालों, मेरे को पता है आप मेरी वीडियोस देखते हो, पसंद भी करते हो, ये मेरे को एक ऐसी डिश लग रही है जो मेरे को, मैं नापसंद बोलना चाहूंगा, दिल से नापसंद। इसको प्लीज साइड में हटा देते हैं ब्रदर, और अगली डिश दिखाते हैं आपको। अगली डिश हम लेकर आए हैं नेपाल से, जिस डिश को ना भाई मैंने जब फोटो में देखा था ना, मैं बड़ा फैसिनेट हो गया था, क्योंकि इस तरह की रोटी, वो रोटी तो भाई देखकर मैं बड़ा हैरान परेशान था कि भाई ऐसी कैसी रोटी मिल रही है नेपाल में। और एक और डिश है जो आज हम अवेलेबल नहीं कर पाए, उसका नाम था जूजू धाऊ। हर जगह जहां पे फोन करके पता करा तो सबने यही बताया कि भाई ये वाली टाइप की दही आपको सिर्फ नेपाल में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। जूजू धाऊ किस किस ने खाई है, किस किस को पसंद है कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन जिस डिश के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है ये, इसको डोनट मत बोल देना, ना ही इसको इमरती बोलना, दिस इज सेल रोटी। ये नेपाल में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पॉपुलर है। मेरे ख्याल से ये बनती है मिलेट यानी कि बाजरे से शायद, इट्स लाइक अ जलेबी बट अनस्वीटेंड जलेबी। और इसको पता है ज्यादातर कंज्यूम किया जाता है सब्जी के साथ, तो हमने सब्जियों में दो ऑप्शंस मंगाए हैं, आलू दम दाल मतलब मसूर की दाल, काली दाल। ये रोटी देखकर बड़ा खुश था मैं, पर इसको इसमें सब्जी कैसे लगा रहे हैं, अच्छा ऐसे। अबे नहीं बे, अबे तो मीठी है, अबे इसको दाल के साथ नहीं खाते यार। यार अब मेरे को आप लोग बताना, मैंने तो इसको सेल रोटी को अपनी अपनी वाली रोटी समझ के दाल के साथ खा लिया। अबे अब समझ गया ये क्या चीज है, गोल मालपुड़ा। मालपुड़ा जो बिहारी डिश है बहुत पॉपुलर, मालपुआ, आप सुजीत फोटो दिखा देना, तो भाई ये मालपुआ है,
बस उसको गोल शेप में ढाला हुआ है मीठा मालपुआ। लेकिन अगर दोनों का अलग अलग टेस्ट बताऊं तो दोनों अपनी जगह पे ठीक है। अगला लगता है आलू दोम। आलू दोम तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत खाते हैं, बंगाल में बहुत खाते हैं। बहुत बढ़िया भाई, नेपाली खाना आज तो मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन अगर आप मुझसे मेरा फेवरेट पूछोगे ना भाई, भाई भाई सादिको का तो कोई जवाब नहीं है। किस किस की पसंद मेरी पसंद से मैच खाती है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी सेल रोटी मुझे काफी अच्छी लगी, बस थोड़ा मैंने असली रोटी समझ के इसको दाल के साथ खा लिया। हालांकि टेस्ट में बहुत बढ़िया थे। अब नेपाली खाने के बारे में मेरा फीडबैक लोगे ना तो भाई 5 में से 4 स्टार्स तो आपके कहीं नहीं गए। बाकी कभी इच्छा जरूर है कि नेपाल आएंगे और नेपाल में ये खाना जरूर आकर ट्राई करेंगे। मीनवाइल नेपाल वालों आप मुझे बताओ कि भाई इंडियन खाने के बारे में आपकी क्या राय है। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस, सत श्री अकाल।